हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौधरी व्लॉग्स। मैंने उसका नाम चेंज करके रूपल चौधरी व्लॉग्स कर दिया है। तो आज से मैं अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मुझे लास्ट टाइम मैंने शायद व्लॉग बनाया था, मुझे 1.5 साल हो गया है व्लॉग्स बनाए हुए, शायद इससे ज़्यादा टाइम हो गया हो। तो मैं आज से अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। जिस वजह से मैंने व्लॉग्स बंद किए थे वो सारे रीज़न मैं आपको बताऊँगी कुछ आने वाले टाइम में कि मैंने क्यों व्लॉग्स अपने बनाने बंद कर दिए थे। और आज से मैं अपने व्लॉग को क्यों कंटिन्यू करने जा रही हूँ क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज, सपोर्ट करते रहिए और मेरे ऐसे ही व्लॉग्स को देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। व्लॉग्स पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज रक्षाबंधन है और मैं अपने सबसे छोटे वाली बुआ जी के बेटे के टीका कर रही हूँ, राखी बांध रही हूँ। और यहाँ पे मेरी मौसी का लड़का भी आया हुआ है, उसकी भी मैं यहाँ पे राखी बांध रही थी। तो सभी लोग आए हुए थे रक्षाबंधन में, मेरी बुआ जी आई हुई थी, भाई आए हुए थे और यहाँ पे वर्षदी ओजस की राखी बांध रही है। ओजस मेरे बेटे का नाम है, उसकी आज पहली राखी थी क्योंकि वो अभी 1 साल का नहीं हुआ है, तो उसकी पहली राखी थी, तो उसके लिए बहुत स्पेशल डे था आज का। तो यहाँ पे ओजस ने अपनी पहली राखी बंधवा ली है, यहाँ पे गौरव अपने यहाँ पे टीका करा रहे हैं। उसके बाद वर्षदी ने गौरव को राखी बांधी, राखी काफ़ी सारी थी क्योंकि गौरव की बुआ जी की तरफ से भी राखी आई हुई थी और बाकी और भी गौरव की बहनें हैं उन्होंने भी राखी भिजवाई थी। यहाँ पर मैंने भी अपने टीका करा लिया, मैं भी अपने यहाँ हाथ पर राखी बंधवा रही हूँ। तो काफ़ी हाथ भर गए थे हम लोगों के राखियों से क्योंकि सब लोगों ने राखी पूछ गई थी, तो वर्षदी ने सबकी नाम की राखी हमारे हाथों पे बांध दी थी। और जिसने अपने हाथों से अपनी बुआ को नेक दिया और साथ में एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया था। मेरा नया फोन आ गया। नहीं, बहुत अच्छा कलर है, मैं वैसे तो लेना की सोच रही थी पर लिया नहीं गया मेरे को। थैंक यू भाभी। दी कितनी कमाई हुई? 4 हो गए। कितने? 4,000। अच्छा, ये फोन के पीछे जो किसको दिखे, ये भी सही है, ऐसा कवर दे दिया आपने मुझे जिसमें कुछ भी रख लो पीछे पता ना लगे, नहीं तो सबकी नजर पड़ेगी। तो कैसे लग रहा है? हूर की परी। हूर का परा। हूर का परा। हाँ, ये देखिए हूर का परा जाता हुआ। ये हूर का परा जा रहा है। मैं यहाँ पे अपने चाचा के घर आ गई हूँ। चाचा का घर हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो यहाँ पे मैं अपने चाचा के बड़े वाले बेटे को राखी बांध रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने बुआ जी के छोटे बेटे को राखी बांधी। ये बहुत ज़्यादा शरारती है, इसको बहुत ज़्यादा छेड़ते रहते हैं हम, तो ये बीच बीच में कुछ बोल रहा था तो इसलिए मैं बार बार हंस रही थी। ये मेरी बुआ जी का बड़े वाला बेटा है और बस ये भी बहुत ज़्यादा शरारती है, ये तो मुझे नहीं छेड़ता। ये बुआ जी का लड़का और ये मेरी नंद है और इन दोनों को देखिए, ये जब से मतलब आज रक्षाबंधन है तो वो ड्रेस चेंज करके आ गया, वैसे काफ़ी स्मार्ट लग रहा था आज दिन में। तो ये शर्मा के भाग गया कि मैं इसको अपने ब्लॉग में ना ले लूँ। अंश सुन तो सही। और ये हमारी ये वर्षदी शूट कर रही है अपने व्लॉग के लिए। आज दी ने मोटी कमाई की है, सच्ची में आज बहुत मोटी कमाई की है दी ने रक्षाबंधन के लिए। इतना तो सही में मुझे भी नहीं मिला जबकि भाई मेरे ज्यादा थे। हैं, एक्शन, चुप रह, करने दो मुझे। टेक वन, रेडी, एक्शन। इनकी यहाँ पे मस्ती चल रही है, अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और थोड़ी देर में खाने की तैयारियाँ शुरू हो जाएगी। मम्मी खाना बनाएगी, अभी बुआ जी और चाची आई हुई है मेरी, तो अभी मम्मी उनसे बात कर रही है। मेरा बेटा अंदर सोया हुआ है और उस बेटे के पास गौरव लेटे हुए हैं। जल्दी आने वाले व्लॉग में मैं आपको अपने बेटे का फेस भी रिवील करूंगी, लेकिन वो सब धीरे धीरे होगा।
ये देखिए इनकी लड़ाइयाँ। ये दोनों ऐसे ही जब से सुबह से मतलब जब भी मिलते हैं इनकी ऐसे ही दोनों की लड़ाइयाँ बजती है। ये छेड़े भी ना दोनों एक दूसरे को बाज नहीं आते। क्या बात है भाई, क्यों परेशान कर रहा है मेरी नंद को हैं? भाई नंदी ऐसी मैं क्या करूं? अच्छा ये मेरी माता श्री है, ये मेरी बुआ जी है और ये मेरी चाची है। मिल लिए सबसे, हेलो तो कर दो। और ये उनकी लड़ाइयाँ चल रही है। मैं भाग लेती थी यार, दही तोड़ देती माँ। क्या कह रहे? ओ तो दुर्राटे काट रही है, यहाँ को आ जाओ। पगड़म पगड़ा का खेल चल रहा है क्या? तूने कब खोया कि तू? मम्मी वर्षा दी को सलाह दे रही है कि कुछ डंडा ले ले, ये ऐसे तेरे हाथ में नहीं आने का। क्योंकि ये बहुत देर से वर्षा दी को परेशान कर रहा है। तो ये डंडा लेके आ रही है वो बेटे। सही सलाह दी मम्मी ने आपके। थका दी तूने भाई, गलत बात है, ऐसे ना परेशान कर। दी ये आपको परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हैं? पानी 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 अंश, पानी लेके जल्दी अंश, पानी लेके पानी अंश, पानी पानी ये लुढ़क जी। ऐसे ही जाएगा ये, ऐसे ही जाएगा ये। ये कह रही है वर्षा दी, कह रही तो गाइस मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी अभी सुबह हो रही है तो अभी मैं राखी बांधूंगी। सगर तो लग रही तुम्हारी, पानी पी घेर रही है। नाइस वेस। नहीं भाई खैर, बेचारा पानी भी लेके आया है। शाम के टाइम हमारे यहाँ पे मोर आ गया था तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि मोर कहीं इतनी आसानी से नहीं दिखाई देते और हमारे यहाँ पे भी अभी आने शुरू हुए हैं मोर, पहले नहीं दिखाई देते। मोर देखना है, मोर अरे हम भी घाघरे आ जाओ। हाँ बोलो दी, क्या बात है? मैं थक गया। मैं तो भाई यार, अरे फोन में तो खुल भी नहीं सकती। तुम्हारा फोन में तो खुल भी नहीं सकती। कौन ऐसी ना दो तो यहाँ पे बुआ जी और वर्षिणी की मस्ती चल रही है, सभी लोग हम आपस में मजाक कर रहे थे तो ऐसी मस्ती करनी शुरू कर दी थी। कंटेंट बन गया बंदर वाला। भाभी की बुआ जी, भाभी की बुआ जी, हां बुआ जी, हां हां तू भी आ जा। अरे वैसे नहीं आता किसी बंदर के पास, बंदर है भग जा यहां से। आप बोलो कि भरी भाभी की ननद है ये देखो गाइस, ये हमारे घर और ये भाभी की ननद के डांस हो रहा है। भाभी की तो विशाल आज पूरा दिन बिजी था और इसके सुबह से राखी नहीं बांध पाए थे हम लोग, तो बुआ जी ने भी बस अभी इसको राखी बांधी है। ये रात को 8 बजे आया था और मैं भी इसको अभी राखी बांध रही थी, तो बस इसका आज पूरा दिन बाहर ही निकल गया क्योंकि इसको कुछ इमरजेंसी थी, बाहर जाना पड़ा, इसलिए बस पूरा दिन राखी नहीं बांध पाए।
फिर हमने अगले दिन का इंतज़ार नहीं किया, तो बस हमने रात को ही राखी बांधी। तब तक हमने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर के कपड़ों में तो क्या हुआ, राखी तो रक्षाबंधन तो बन चुकी है भाई। देखो अच्छे से अभी खाने पीने की तैयारी होगी, अब खाना पीना होएगा, तो अभी देखते हैं क्या बनेगा। मैं भी आ गए कपड़े चेंज करके। हम आ गए हैं नाइट सूट में। तो हम काफी परेशान हो गए, तो काफी रिलैक्स मिल रहा है। पूरा मजे आ गए, पूरा दिन पता ही नहीं लगा कैसा चला गया। तो अभी तो रक्षाबंधन तो बन चुकी है, अभी हम खाने पीने की तैयारी, मतलब मम्मी खाने पीने की तैयारी कर रही है, तो देखते हैं अभी क्या बनाती है, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या खाया। मम्मी ने कचौरियाँ बना दी हैं। यहाँ पे मेरे चाचा का छोटे वाला बेटा भी आ गया है। ये रात को काफ़ी लेट आता है, ये तो जॉब करता है। तो गाइस मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो पसंद आए। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो पसंद आ रही है तो बताइएगा आपको वीडियो में क्या पसंद आया है। और अगर नहीं आ रही है या आपको चेंजेस चाहते हैं या किसी भी चीज़ का, मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगी। हम करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।